हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लेंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्याजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। ए संवेदी प्रेरक, बी औपचारिक सक्रियात्मक, सी अनौपचारिक सक्रियात्मक, डी मूर्त सक्रियात्मक। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि प्याजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था नहीं है, तो आंसर करेक्ट होगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन है। ए रूसो का, बी स्पेंसर का, सी स्किनर का, डी वुडवर्थ का। तो क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, तो यह कथन किसका है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कथन पूछा गया, तो कथन को बात करते हैं। यह कथन स्किनर जी का है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वृद्धि और विकास है, ए एक दूसरे के समान, बी एक दूसरे के पूरक, सी एक दूसरे के विरोधी, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्धि और विकास किस प्रकार है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है, ए खेल का मैदान, बी परिवार, सी विद्यालय, डी समाज। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर या घटक क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे बात करते हैं, बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर है परिवार, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संवेगों को छिपाने या छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो क्वेश्चन पूछा है कि संवेगों को छिपाने या छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करेंगे यहाँ पे किशोरावस्था में संवेगों को छिपाने या छिद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़अवस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बालक की किस अवस्था में उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं, किशोरावस्था में बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिसके नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है, ए विकास आंतरित होता है, बी विकास एक निश्चय क्रम में होता है, विक्रम होता है, सी विकास का सटीक मापन असंभव है, डी विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया, नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार काफी पूछे जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब उसके बाद में आंसर उसका देंगे। यहाँ पे आंसर होना चाहिए विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऐसा नहीं है। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली असफल रही है, ए बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में, बी शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में, सी शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के मूल्यांकन में, डी उपरोक्त सभी मूल्यांकनों में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो कि बालकों की तार्किक क्षमता के मूल्यांकन में, शिक्षण की व्यवहारिक उपयोगिता के मूल्यांकन में, शिक्षण के दौरान प्राप्त जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के मूल्यांकन में, तो इसका आंसर होना चाहिए डी उपरोक्त सभी मूल्यांकनों में।